भाई का भी रो रो के हालत खराब ही है बिल्कुल। अब ये क्यों रो रहे हैं ना, इसके पीछे मैं आप लोगों को रीजन बताता हूँ। फिलहाल इनका एक देखिए यूट्यूब चैनल था, 3,26,000 के करीब सब्सक्राइबर था, लाल बाबू खान 007 करके यूट्यूब चैनल का नाम है। ये लोग वीडियोस बनाते थे कॉमेडी टाइप का, एंटरटेनमेंट कैटेगरी के वीडियोस बनाते थे। और यहाँ पे देखिए कितने सारे वीडियोस यहाँ पर वायरल है, 8 मिलियन 7 मिलियन 7 मिलियन 7 मिलियन, मतलब शॉर्ट्स पे बहुत वायरल हुआ है सारा वीडियो, जिस वजह से 3 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स था और लगभग 20-21 हजार रुपया यहाँ पर बना हुआ था पैसा। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपने इन भाई को देखा, इन्होंने रो रो करके अपना बहुत ही बुरा हाल कर लिया है। एंड दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका एक यूट्यूब चैनल था और इनके इस चैनल पे 3 लाख से भी ज्यादा का सब्सक्राइबर था और इनका जो चैनल है वो यूट्यूब ने डिमोनेटाइज कर दिया। यानी दोस्तों अब ये अपने यूट्यूब चैनल से फूटी कौड़ी तक भी नहीं कमा पाएंगे और इनका जो चैनल है वो डिमोनेटाइज हो चुका है। और इनके चैनल पे सब्सक्राइबर तो आप लोग देख ही सकते हो कितना था और इस तरह से रो रो करके इन्होंने अपना बहुत ही बुरा हाल कर लिया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन भाई ने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से इनका जो चैनल है वो यूट्यूब ने डिमोनेटाइज कर दिया और अब ये अपने यूट्यूब चैनल से कभी भी फूटी कौड़ी तक भी नहीं कमा पाएंगे, यानी अपने चैनल से 1 रुपया तक भी अब नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन भाई ने क्या गलती की जिसकी वजह से इनका जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब ने डिमोनेटाइज कर दिया और अभी अपने यूट्यूब चैनल से पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को आपको एंड तक ही देखना है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे छोटे क्रिएटर हैं जिन लोगों को भी इस गलती के बारे में नहीं पता होता है और वो लोग भी अपने चैनल पे गलती करते ही रहते हैं और उसके बाद आप लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसलिए आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल बनाने से पहले हर कोई बंदा चाहता है कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए हम सभी को कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। एंड दोस्तों उसके बाद जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है और उसके बाद फिर हम लोग सोचते हैं कि हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए और हम भी अपने यूट्यूब चैनल से ज़्यादा अर्निंग कर पाएँ। तो दोस्तों इस तरह से हर कोई बंदा चाहता है कि उसकी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आए। तो दोस्तों इन्होंने एक गलती कर दी और वो गलती यही कर दी कि इनका जब चैनल मोनेटाइज हो गया उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी वीडियोज़ को अपने ही मोबाइल फ़ोन से देखना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों इस तरह से ये अपनी हर वीडियोस को अपने मोबाइल फोन से देखते थे और इन्होंने सोचा कि मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेगा और जिससे मेरी अर्निंग भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ इनके साथ और दोस्तों फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, इनका चैनल ही यूट्यूब ने डिमोनेटाइज कर दिया। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन से ही अपने चैनल की वीडियोस को देखते हो, यानी जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन से अपनी वीडियोस को देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपके जो वीडियोस पे आप क्लिक करते हो, बार बार क्लिक करके वीडियोज को देखते हो, तो इस तरह से आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी होती है। एंड इस तरह से यूट्यूब को भी पता चल जाता है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी कर रहे हो, यानी अपनी वीडियोज को खुद अपने मोबाइल फोन से बार बार देख रहे हो अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से यूट्यूब को ये पता चल जाता है और उसके बाद यूट्यूब जो है आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर देता है। एंड दोस्तों इसके बाद आप लोग यूट्यूब से बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर सकते हो और आपका चैनल अब कभी भी मोनेटाइज भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इन भाई ने भी ऐसा ही किया, अपने चैनल पे वीडियोस को बार बार देखते थे तो इससे इन्होंने सोचा कि मेरी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज आएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल से। लेकिन दोस्तों इनके चैनल को जो है यूट्यूब ने डिमोनेटाइज कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे छोटे क्रिएटर हैं जो कि अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी यूट्यूब के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यूट्यूब ने इनका चैनल जो है वो डिमोनेटाइज क्यों कर दिया। एंड दोस्तों आपको भी इस वीडियो में सीखने को मिला होगा कि इस तरह की गलती आपको अपने चैनल पर बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आप लोगों का भी चैनल इस तरह से डिमोनेटाइज हो सकता है और इसके बाद आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, यानी आप लोग भी अपने चैनल से कभी भी 1 रुपया तक नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देने वाला था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।